हम गायक कलाकार वीरबहादुर यादव ग्राम नुसरतपुर पोस्ट बरही सदर गाजीपुर की ओर से हमारे अध्यक्ष महोदय राजकुमार जी के देखरेख में एक छोटा सा बिरहा बिरहा का शीर्षक हो अहंकार की हार। चलत बानी कहे आशा ना पूर्ण विश्वास हो कि आप लोग जरूर पसंद करब। चला मास्टर। द्वापर युगावा में रुक्मिणी और सत्यभामा कृष्णा जी से पूछे दोनों नार हम अर्जुन से अरे बढ़ा के तू के कारा से राउर करना ज्यादा प्यार। द्वापर युग में भगवान कन्हैया से रुक्मिणी और सत्यभामा पूछत हे स्वामी हम हन अर्जुन से बढ़ के और केहू के जानेला कि हम हने के जानेला। भगवान कन्हैया बतावत हो एक तर्ज लगल कोनो दुल्ही अपने सैया से कहत दे नई नोचर कन्या बे कहला कन्हैया सबसे दुनिया मजार रनिया प्यारा हमके कौआ और बनर कजा करनिया प्यारा हमसे इनके जैसन भक्त के हु दूसर ना हमार बा सदा भगवान के भगत से ही प्यार बा सिद्ध ज्ञान योगी अति पावे नहीं पारनिया प्यारा हमके कहीं ना दिलावा के बात रनिया प्यारा हमके बोली नाथ आपके कौआ और बनरे के जात से प्यार हो वे दोनों तो कभी भी आपका दर्शन करने नहीं आते। कृष्ण बोले वे हमारे इस रूप के भक्त नहीं हैं मेरे राम नाम के उपासक हैं। फिर तर्ज लगल अरे जल्दी गाड़ी धोली छटपट राजा जी दुल्ही अपने सैया से फोने पर कहत ए सैया सुना जल्दी गाड़ी धोली छटपट राजा जी चोली के बटन टूटे चट चट राजा जी रुक्मिणी कहत है दोनों के जल्दी बोलाई ऐ थाने स्वामी जी तन खातिर तरसे मोरा नयन स्वामी, आज अंगवा के हम तोहरे मलकिनिया, अर्जुन के सारथी कहौला मोहन दानिया, मन के ठुकरवला कौने कारण स्वामी जी, दर्शन खातिर तरसे मोरा नयन स्वामी जी, रुक्मिणी कहते हैं स्वामी हम आपका आधा अंग का अर्धांगिनी हैं, महाभारत में अर्जुन आपका सारथी रहा, आखिर हनुमान के कौने कारण ठुकरावत हुआ? कृष्ण ने कहा काकभुसुंडी मेरे बालक राम रूप के भक्त हैं, हनुमान को बुलाते हैं, ऐसा कहकर गरुड़ को आदेश दिए कि शीघ्र किम पुरुष खंड से जाकर हनुमान को बुला लाइए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचे, देखे गंधर्वगढ़ श्री रामायण पाठ कर रहे थे, हनुमान जी प्रेम से सुन रहे थे। उस समय गरुड़ जी बोले हनुमान जी चलिए आपको द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण बुलाए हैं। हनुमान जी बोलना तरजिए कौनो ननद अपने भौजाई से कहत थी, अरे कही बा भौजी भैया से हमरे तय गवनावारा, बढ़िया भाव है। अरे वो हन मोहन हम का जानी, ओ हन मोहन हम का जानी के करनौआ मऊआ राम, हमरे खातिर सबसे प्यारा, हमरे खातिर सबसे प्यारा राम जी का नौआ राम, बाबा से उबारे सबके ऊह देला ठौआ हो राम, बिना पूजा कैले आगे, बिना पूजा कैले आगे बढ़ी नाही पौआ हो राम, हनुमान जी कहत हो हम ओहन मोहन मने कुछ नहीं जानत, हमको सदा राम से प्यार है। गरुड़ जी आकर भगवान कन्हैया से बोले हनुमान ने कहा है कि मैं राम की पूजा किए बिना आगे नहीं आ सकता, राम की पूजा किए बिना कहीं नहीं जा सकता। कृष्ण बोले उनसे जाकर कहो आपको राम जी ने ही बुलाया है। तब गरुड़ जी आए, अरे धिया नवाया पन तोड़े बजरंगी, अरे धिया नवाया मन तोड़े बजरंगी, हे राम के नाम सुन के द्रवी तो भैले मनावा दिया नवाया पन तोड़े बजरंगी। राम का नाम सुनते ध्यान तोड़ दिए और चल देते हैं। अरे पवन बेग से उड़नी खुद पवन देव पीछा कैले, कोसों पीछे हुए गरु बजरंगी के कुछ ना कइले। महामंत्र हो राम नाम घटते हनुमान सफल भैया। पीछे छोड़त सब ही के कपिवर द्वारिका पहुँच गई। हनुमान जी गरुड़ जी को कोसों पीछे छोड़ दिए और राम राम कहते द्वारकापुरी में उतरलन। द्वारकापुरी गेट की ओर देखत हूँ, कहा देखत हूँ, अरे करे द्वारिका में दो पहरे दारवा पहरे फाटक पे, अरे एक और गदा एक और शंख जुझारवा पहरे फाटक पे। बीचे चक्र सुदर्शन उगले जैसे आदि हो, अरे चाक को हार के नाचे जैसे, अरे नाचे बन के बागी हो। अरे रोके तीनों हनुमत के दुआरवा पहरे फाटक पे, अरे जाए के ना तो होके बाया डरवा पहरे फाटक पे। बीच में ताले की जगह पर चक्र सुदर्शन, भगवान हनुमान जी का रास्ता रोक दिए। चक्र सुदर्शन वैसे नाचा था जैसे चाक को हार के नाचे, वैसे नाचा था और रास्ता तीनों लोग रोक दिए और बोल पड़े आपको अंदर जाना मना है, आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी कहना सुना सुना आला। अरे कहे कापी महामंत्र, अरे राम जी का न हुआ, अरे देवे उलाट तीनों लोग यही बात। करे भुजा में बाटे ये तना सकतिया, कोई नहीं रोक सके रहिया हमार। एक हाथवा से शंख एक हाथ गदावा, एक दिन धल के जहाँ बैठे हो मूरा, जाई के गिरल दोनों मनमोहन के अगवा। मखी रूप धार कपी कैले वही बार, चक्रवा के बीच से भीतर चली गई है। देखो गरु जीता के भैले लाचार, जहाँ भगवान कृष्ण रूप अपन तज के, राम रूपवा में बनकर रहल खरा। तुरते चरनिया पे गिरी गईले कपिवर, अरे सब कर घमंड चूर कैले जुझारे। अरे हनुमान जी कहत हम सुना सुना केकरे इतना शक्ति हो कि जो हमारे रास्ता के रोक सकत है। एक हाथे गदा एक हाथे संग, उठौना उठा के फेंक देना जहाँ भगवान के नैया बैठल उनके सामने जाके गिरलन, और मक्खी का छोटा रूप बनाया और चक्र सुदर्शन के बीचों बीच अंदर चले गए। गरुड़ जी खड़ा होकर कुल तमाशा देखत हम, भगवान के नैया अपना रूप बदल करके राम रूप में हो गए। तब तक जाकर के हनुमान चरण पे गिर पड़े, सब पर घमंड चूर चूर कर दिए। खड़ी अरे अवधपुरी के, अरे अवधपुरी के छोड़ के गईला त्रेता में हरी। अरे आज देहला दर्शनवा द्वापर में नरहरी। धन भाग भइल मरो सफल जिंदगनिया, प्रभु पच्छु में उड़ल पीताम्बर ओढ़निया। अरे बगल में बंसी लौकले मुँह को मिलाए वही गारी, आज देहला दर्शनवा द्वापर में नरहरी। स्वरूप कहे रुक्मणी गुजरिया, अरे कहे भैला दुखी बैठा माया के नगरिया। अरे राम कृष्ण सभी सवर एक माने के पारी, अरे आज देहला दर्शनवा द्वापर में नरहरी। अवधपुरी को छोड़ के त्रेता में गल, आज दर्शन हनुमान जी के द्वापर में देते हम। देखत हम हनुमान जी चरण पर भगवान राम की गिर के, जौने राम तौने श्याम। वो पीताम्बर चुनरिया हनुमान की देहिया पर पड़ गई। देखत हम में कि जौने राम तौने श्याम। अरे गुरुपत तू गुरु कहे अच्छा बर सब कर घमंड भैचूर। अरे सुखनंदन काशी बुल्लू कहे भक्ति भाई मंजूर। अरे धियन माया पन तोड़े बजरंगी, अरे वीर बहादुर रंगी कभी नरस के उड़े नया तारा नवा। धियन माया पन तोड़े बजरंगी।